समस्त देशवासियों को नमस्कार। साथियों, देश के अंदर जब से कोरोना शुरू हुआ है और तब से लेके अब तक देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी फैली हुई है। देश के हर क्षेत्र में, चाहे वो युवा हैं या दूसरे लोग हैं, आज बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के दौरान काफ़ी फैक्ट्रियां, मिलें बंद हो गई, जिससे काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए। राष्ट्रीय जनता पार्टी की सरकारों से, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, उनसे ये आग्रह करती है कि जो लोग बेरोज़गार हुए हैं उनको दोबारा से स्थापित करने के लिए सरकार रोज़गार के नए नए साधन मुहैया कराए, जिससे कि इस देश में बेरोज़गारी समाप्त हो। क्योंकि आदमी को जीवन यापन के लिए रोज़गार होना अति आवश्यक है। अगर लोगों के पास रोज़गार ही नहीं रहेगा तो वो अपने जीवन को भली भांति किस प्रकार चला पाएंगे। आज भी देश में आप गाँव में चले जाइए, गरीबों की स्थिति जो है बस से बदतर है। बहुत से घरों में एक समय का चूल्हा जलने में भी काफ़ी दिक्कतें पैदा होती हैं, काफ़ी लोग तो बिना भोजन के ही रह जाते हैं। तो जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराया तो उनका एक सपना था कि भी आज़ाद भारत में कोई भी गरीब, पिछड़ा, दलित किसी तरह से भी कमज़ोर ना रहे, को भूखा ना रहे, रोजगार से वंचित ना रहे, शिक्षा से वंचित रहे, उन्हें सर्वगुण संपन्न उनका सहयोग हो। तो केंद्र सरकार की और ये राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में रोजगार के साधन मुहैया कराएं, जिससे कि बेरोजगारी अधिक से अधिक संख्या में समाप्त हो और हमारे देश के लोगों को रोजगार मिल सके और वो अपना जीवन भली भांति चला सके। दूसरा, मेरे देश के लोगों से भी निवेदन है कि जो लोग भी राष्ट्रीय जनता पार्टी के इस चैनल को देख रहे हैं, राष्ट्रीय जनता पार्टी का ये चैनल समय समय पर हर मुद्दे पर अपनी विचारधारा लोगों के सामने रखता है, तो देश के लोगों से मेरा ये निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा और देश के लोगों के हक अधिकार के लिए इसी तरह लड़ती रहे, तो राष्ट्रीय जनता पार्टी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को सही तरह से देखेंगे, हमारी विचारधारा को समझेंगे, तो राष्ट्रीय जनता पार्टी जबकि देश में परिवर्तन लाने के लिए, इस देश के गरीब और इस देश के हर उस वंचित की आवाज़ को उठाने के लिए दृढ़ संकल्प है। और आप लोग देश में मौका देंगे और इस पार्टी की आने वाले समय में कभी सरकार बनी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इस देश का गरीब, कमज़ोर, असहाय वो कभी भी जो है अपने आप को कमज़ोर, मतलब बिल्कुल अलग नहीं समझेगा। वो ये सोचेगा कि भाई हमारा कोई घर का ही ऐसा व्यक्ति है जो इस देश में काम कर रहा है, इस देश के गरीब मजदूर सभी के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।